आज की इस वीडियो में हम केपीएस टुंडा में जो बुक चलती है कंप्यूटर की क्लास फोर्थ में उसको पढ़ेंगे, उसके चैप्टर वन को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इसमें जो कवर करना मेन टॉपिक इस पेज में दिया हुआ है इनपुट इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। इसमें ऐसे समझते हैं, मान लो हमारे पास ब्रेड है, हम चाहते हैं कि हमें क्या है उससे टोस्ट बनाने हैं, तो इनपुट के फॉर्म में बिना ब्रेड के जब तो इनपुट नहीं देंगे मशीन को, जो प्रोसेसिंग मशीन टोस्टर है, ये जो प्रोसेसिंग मशीन टोस्टर है उसके लिए तो हम ब्रेड इनपुट नहीं देंगे, ब्रेड को इनपुट के रूप में नहीं देंगे जब तक हमें क्या है टोस्ट नहीं बन पाएगा। तो हमारा जो ब्रेड हो गया वो इनपुट हो गया, जो प्रोसेसिंग किस में हो रही है टोस्टर में, वो बन के क्या तैयार होगा टोस्ट तैयार होगा। तो ये हम इस तरह से समझेंगे उसको। इसका दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, हमारे पास पेंसिल है, पेंसिल को हमें शार्पन करनी है, उसकी नोक बनानी, तो हम उसको क्या जब किसी से जरूरत पड़ेगी हमें प्रोसेसर कहाँ होगी शार्पनर में, ठीक है, और फिर क्या बनेगा आपका शार्पन पेंसिल मिल जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल, हमारे पास क्लोथ है यानी कपड़ा हम खरीद कराए मार्केट से, उसको हम क्या चाहते हैं शर्ट बनाना चाहते हैं, तो बिना प्रोसेसिंग की नहीं हो पाएगा, उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग कौन करेगा या स्टिचिंग कौन करेगा, दर्जी करेगा। तो वहाँ पर पहले क्या क्लोथ थी कपड़ा था, दर्जी के पास आए यानी टेलर के पास, स्टिचिंग कराई यानी प्रोसेसिंग, और शर्ट बन गया यानी आउटपुट हमें शर्ट मिली। ठीक इसी तरह हम कंप्यूटर में देखते हैं कंप्यूटर में कैसे यूज़ करते हैं इसको। हमारे पास दो नंबर हैं, एक 2 है एक 5 है, हम चाहते हैं कि ये नंबर हमारे ऐड हो जाएँ, तो हमें तो वैसे पता है कि 2 + 5 क्या होता है 7 होता है, लेकिन अगर हम कहें कि ये हो जाए तो उसके लिए क्या चाहिए कंप्यूटर चाहिए यानी प्रोसेसिंग चाहिए, तो हम क्या करेंगे कंप्यूटर को दो नंबर दे देंगे, कौन कौन से 2 और 5, ये क्या हो गया इनपुट हो गया नंबर, वहाँ क्या हो इनपुट हो गया, तो 2 नंबर इनपुट कौन कौन से दिया 2 और 5, फिर प्लस करवाना है तो एडिंग कहाँ पर होगी कंप्यूटर के अंदर, तो इसको बोलते प्रोसेसिंग, इसकी प्रोसेसिंग हुई सीपीयू में, हम पढ़ेंगे सीपीयू क्या होता है आगे आगे देखेंगे, और हमें फिर आउटपुट क्या बोला सम, यानी कि इनपुट के फॉर्म में क्या दिया हमने 2 नंबर्स दिए, उनका सम हुआ, सम कहाँ पर हुआ प्रोसेसिंग एरिया में, और बाद में आउटपुट में क्या मिला हमें उसका सम मिल गया 7, 2 + 2 और 5 दिया 2 + 5 = 7, तो क्या मिल गया 7 आउटपुट मिल गया। अब हम देखते हैं कि इस सब कैसे होता है, जैसे इसमें तीन चीज़ हम देखिए इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो इनपुट डिवाइस है क्या, यानी कि किस किस चीज़ से हम कंप्यूटर में फीडिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कंप्यूटर में टाइप करना है ए, तो हम कंप्यूटर को कैसे कैसे हम प्रोवाइड करेंगे अंदर कैसे एंट्री कराएंगे ए की या अपने नेम की या 1 2 3 कोई नंबर हम कंप्यूटर एंट्री कराना चाहते हैं, उसके लिए एक ही तरीका है कीबोर्ड। कीबोर्ड में बहुत सारे डिजिट्स भी रहते हैं, अल्फाबेट भी रहते हैं, सब चीज़ रहती है, उससे हम कराएंगे, यानी कि ये कीबोर्ड का इनपुट डिवाइस। अगर हम कंप्यूटर कोई चीज़ एंट्री कराना चाहते हैं एक ही तरीका है क्या कीबोर्ड से। दूसरा क्या है माउस, जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है तो माउस की हेल्प से कर सकते हैं। तो हमारे पास इनपुट डिवाइस कौन कौन से आ गए क्लास फोर्थ के लेवल देखेंगे, कौन कौन से कीबोर्ड और माउस, फिर और भी हमारे पास देखिए जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक क्या होता है, कई बार हम देखा हो जब हम ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं या कंप्यूटर गेम खेलते हैं, तो कोई मान लो रेसिंग वाली कार है उसकी स्पीड बढ़ाए तो आगे को नहीं कर देते हैं, पीछे करना है तो बैक करते हैं, लेफ्ट में राइट में, उसे जॉयस्टिक के बिना काम चलता है, जो वीडियो गेम खेलते हैं कंप्यूटर, तो उसको क्या है जॉयस्टिक यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद लाइट पेन, आजकल जो मोबाइल फ़ोन हमें देखेंगे उसमें टच पेन ऊपर से लाइट पेन के द्वारा ही उस पर लिख देते हैं, जो लिखना चाहें सीधे मोबाइल फ़ोन के ऊपर से ही लाइट पेन को उससे लिख, जो लिखते हैं हम सीधा जैसे कॉपी लेते हैं वही सीधा अंदर लिख जाता है मोबाइल में। फिर आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है, ये वॉइस को हमें रिकॉर्ड करना है, म्यूजिक को या साउंड को भी कंप्यूटर के अंदर, तो क्या एक ही तरीका क्या है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन से बोलेंगे और वह चीज़ कंप्यूटर में एंटर हो जाएगी। फिर आप पास है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, मान लीजिए हमें कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो हमें अपनी फोटो उसमें अपलोड करना है, तो उसके पहले क्या करेंगे फोटो कंप्यूटर अंदर जानी चाहिए, तब तो हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, तो हम उसको अपनी फोटो को स्कैनर से स्कैन करेंगे, वो हमें कंप्यूटर में आ जाएगी फिर हम भरेंगे। ऐसा समझ लीजिए जो भी चीज़ है कलर जिस फॉर्म में उसको हम उसी फॉर्म में उसको स्कैन करते हैं और कंप्यूटर में वो चीज़ आ जाती है। अच्छा अब देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी कि प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन कौन होते हैं, उसको होते हैं सीपीयू। सीपीयू में भी हमारी प्रोसेसिंग होती है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, ये क्या प्रोसेसिंग डिवाइस है हमारा। हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं सीपीयू, हम समझते हैं कि बॉक्स है उसको हम बोलते हैं सीपीयू, असली में बॉक्स सीपीयू नहीं होता। सीपीयू क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर बिल्कुल छोटी चिप होती है इंटेल की, ज़्यादातर जितनी भी कंपनी इंटेल की ही चिप यूज़ करती हैं,
इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई आदमी है तो हम कह रहे हैं वो तो बहुत ही होशियार है, बहुत ही दिमाग उसके पास, इसलिए थोड़ी कि उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है तो उतना ही दिमाग है। दिमाग क्या होता है, थोड़ी उसके अंदर जो दिमाग होता है उसके बेस पे कहते कितना होशियार हो। तो वही सीपीयू को लग क्या होता है, जो बॉक्स होता है ये सीपीयू नहीं है, असली में जो चिप है वो पूरा काम कर रही है, जैसे हमारा माइंड होता है पूरे शरीर को संभालता है, तो उसे बोलते हैं कितना होशियार, कितना माइंड है उसके पास ये। अब इसके बाद देखिए हम जो चीज़ देखिए इसमें दिखाया उसने, ह्यूमन ब्रेन हमारा माइंड होता है, ठीक है। इसी प्रकार ह्यूमन में कई सारी चीज़ें होती हैं, वैसे ही सीपीयू में कई चीज़ें होती हैं। तो इंटरव्यू दे रखा है सीपीयू का, क्या क्या होता है इसमें, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, SMPS, रैम, माइक्रो प्रोसेसर जो कि चिप होती है, ज़्यादा पता है इंटेल की होती है, इसको माइक्रो प्रोसेसर जो यही मेन रहता है। अब ये रैम वगैरह हम अभी थोड़े आगे पढ़ेंगे चैप्टर जो है कोर्स में होगा। अच्छा अब देखिए सीपीयू के भी तीन पार्ट होते हैं, ALU इसका फुल फॉर्म है, ये ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, फिर CU यानी कंट्रोल यूनिट, फिर MU यानी मेमोरी यूनिट। अब इसको ऐसे समझिए इस डायग्राम से, ALU क्या करता है, जैसे हमने कहा कि प्रोसेसिंग अभी पीछे की थी कि 2 और 5 को जोड़ना है, तो प्रोसेसिंग में 2 + 5 = 7 हो गया, लेकिन ALU के पास देखिए प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब है उसके पास, लेकिन ये उसको कौन बताएगा कि प्लस, हमने कहा कि भाई प्लस करो, उसको ALU को कैसे मालूम चलेगा कि प्लस करना है कि माइनस करना है, वो तो नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ कौन बताता है उसको क्या करना, तुमको वो CU बताता, कंट्रोल यूनिट यानी कि ALU को कौन कंट्रोल करता है, CU कंट्रोल यूनिट ALU को कंट्रोल करता है, ठीक। ये तो ये कौन करता है, कंट्रोल यूनिट ALU को कंट्रोल, बट कंट्रोल यूनिट यानी कि ALU बताता कि तुम्हें करना क्या है, जैसे हमारा हाथ पैर है तो अब हाँ तो हमको माइंड बताएगा ना कि क्या करना, कंट्रोल करेगा क्या करना है इस तरह। फिर मेमोरी, मेमोरी क्या होता है, कोई चीज़ स्टोर करना है, सिर्फ 2 और 5 था, ये थोड़ी कि डायरेक्ट हम कंप्यूटर दिया तुरंत 7 आ गया, कहीं ना कहीं स्टोर होता है पहले, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो स्टोर कहाँ होगा, मेमोरी में। अब उसका क्वेश्चन देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो करा है। क्वेश्चन 1 है, डैश डिवाइस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट, देखिए रिजल्ट को डिस्प्ले कराना है तो किसमें कराएंगे, आउटपुट में, इसका आंसर क्या आएगा, बी क्या है, आउटपुट। फिर सेकंड, इनपुट डिवाइस आर यूज टू एंटर डैश इनटू द कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस का एंटर कंप्यूटर के एंटर करते हैं, डाटा करते हैं, है ना, तीन ऑप्शन दिया, डाटा दिया है, फूड दिया, आइकॉन्स दिया, तो फूड तो खाना थोड़ी कंप्यूटर में डालेंगे हम, एंट्री कराएंगे, क्या करेंगे डाटा का, आइकॉन्स भी नहीं कराएंगे, क्या करेंगे डाटा ही करते हैं, इसका आंसर क्या आ गया, डाटा। ये सबट्रैक्टिंग ऑफ 2 नंबर इज डैश, 2 नंबर को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको क्या है, ये सबट्रैक्ट की सबट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिविजन किसमें होता है, प्रोसेसिंग का पार्ट है, जिससे क्या आएगा आंसर, प्रोसेसिंग हो गया। अब हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस, देख इनपुट हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, प्रोसेसर में आउटपुट डिवाइस होता है, पहले इसको ऐसे समझते हैं हम, जैसे हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी क्या है, आउटपुट डिवाइस, टीवी हम वहाँ से कोई चीज़ हम देखते हैं, टीवी हो गया या तो मॉनिटर हो गया, सबके आउटपुट डिवाइस है, जैसे हमें मॉनिटर दिया है, जो भी ये समझ लीजिए जो भी रिजल्ट हमारे डिस्प्ले होता है किसको होता है, मॉनिटर पर होता है, तो हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। अब मॉनिटर दिया, मॉनिटर क्या करता है, जो भी वर्क कंप्यूटर किया उसको जो रिजल्ट है उस पर मॉनिटर पर डिस्प्ले कराते हैं, फिर वो करा है स्पीकर, स्पीकर भी क्या है, हमें अगर म्यूजिक सुनना है स्पीकर से सुनेंगे, स्पीकर में उल्टा हम इनपुट थोड़ी देंगे स्पीकर में, उसमें से आवाज़ निकलती है, तो हम स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस, तो मॉनिटर आउट मॉनिटर क्या हो गया हमारा, आउटपुट डिवाइस, स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। फिर प्रिंटर, अब देखिए प्रिंटर क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई ड्राइंग बनाई कंप्यूटर में, उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम प्रिंटर से उसको उस चीज़ को एक पेज में प्रिंट आउट करा लेंगे, तो नाम इसका प्रिंट आउट, तो यानी कि प्रिंटर क्या करता है, आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस हो गया हमारा। प्लॉटर, आपने कई बार देखा हो जो बड़ी बड़ी इवेंट कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े जो होर्डिंग लग रहती हैं, विज्ञापन लग रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट, तो बहुत ही काफ़ी बड़े साइज में होता है, तो उसको तो प्रिंटर से काम चलेगा नहीं, तो वो सब इतनी बड़ी प्रिंट आउट ये लार्ज पेपर पर चाहिए या बड़ा लेवल पर चाहिए, उसको हम प्लॉटर बोलते हैं, तो ये क्या है, एक तरह से प्रिंटर का ही बड़ा रूप है, तो भी आउटपुट डिवाइस है। तो अपने आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हो गए, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर और प्लॉटर। अब इसको आप देखते हैं स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या करते हैं, डाटा को और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, डाटा को और इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, इस बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ समझिए पहले कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, डाटा को आप ऐसा समझिए कि रॉ मटेरियल है और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड चीज हो गई, जैसे गन्ना है तो गन्ना क्या हो गया हमारे पास, सिंपल डाटा हो गया, लेकिन जब उसको जूस निकाले, जूस क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो, जूस क्या हो गया, ऐसे इन्फॉर्मेशन काम इन्फॉर्म, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मान लीजिए, तो वहाँ पर गन्ना बहुत सारा था, लेकिन जब उसको जूस निकाल लिया वो हमारी मेन चीज़ थी, तो वो क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन,
तो गन्ना डाटा मान लीजिए, उसके जूस की इन्फॉर्मेशन। ये ऐसे मान लीजिए आपका न्यूज़पेपर आया, तो न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ रहती हैं, तो वो सारे क्या डाटा आपके पास। मान लीजिए आपने 2-3 न्यूज़पेपर रोज मंगाते हैं या एक न्यूज़पेपर मंगाते हैं, तो वो आप तो उसमें से जो आप मेन मेन चीज़ पढ़ते हैं, तो आपने इन्फॉर्मेशन निकाली, डाटा बहुत सारा है, तो वो क्या, वो इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को मेमोरी स्टोर करते हैं, कहाँ स्टोर किया जाता है, वो सब मेमोरी में रहता है। मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। पहले हम प्राइमरी मेमोरी देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, रैम और रोम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, रैम और रोम को देखिए, कॉपी समझते इसको। मान लीजिए हमने क्या किया, हम किसी ग्रॉसरी शॉप पे गए या डी मार्ट गए या किसी शॉपिंग मॉल में गए, वहाँ से हमने 10 kg शुगर परचेज करी, चाय की पत्ती कुछ ली हमने, कोई 5 kg मान लीजिए, और आके हम क्या करते हैं उसको स्टोर रूम में रख देते हैं। अब क्या हुआ, हमारे कोई मेहमान आए, तो हम क्या करेंगे उस स्टोर रूम, ये तो नहीं कि मेहमान आए तो हमें ये चाय बनाए तो सीधे स्टोर रूम में जाएं, एक चम्मच शक्कर ले आएं, फिर एक चम्मच चाय की पत्ती ले आएं, ऐसे करें, ऐसे नहीं करेंगे बार बार। हम क्या करेंगे, एक किचन रखते हैं। किचन में क्या करते हैं, देखिए ये हम यहाँ से कोई भी चीज़ जरूरत पड़ी, मान लीजिए हम एक डिब्बे छोड़े, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये बॉक्स डिब्बे हमारी शुगर का है, ये चाय की पत्ती और भी चीज़ें हैं, तो हम क्या करेंगे, हम महीने भर में जितनी भी जरूरत पड़ती है, कि मान लीजिए एक हफ्ते के हिसाब से, तो हम यहाँ से स्टोर रूम से थोड़ा अमाउंट इन डिब्बों में रख लेंगे किचन में, तो जब भी मेहमान आए या हमें जरूरत पड़ी तो हम उस जब भी यूज़ करना हो किचन में, कोई चीज़ बनानी है तो इन डिब्बों से निकाल लेंगे। अब ये ठीक है, तो हम यानी कि जो चीज़ हमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है, जिसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है बार बार, उसको हम किचन में रखते हैं, और जिसका हमें एक दिन जिसका हमें मान लो महीने का एक बार निकालना है, यहाँ किचन में रखना है, बहुत कम जरूरत पड़ी, हम ज़्यादा सामान कहाँ रखते हैं, अपना स्टोर रूम में। जैसा कर 10 kg है, 20 kg है, एक बोरा है, एक सैक है, तो उसको थोड़ी हम किचन में रखेंगे, उसको कहाँ रखेंगे, स्टोर रूम में। तो स्टोर रूम यानी कि अब इसको समझे, रोम रीड ओनली मेमोरी बहुत बड़ा यूनिट है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम माने कभी जो जो जिसकी हम बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो जिस चीज़ की जरूरत, मान लीजिए 10 बार अगर तीन बार हमें चीनी की जरूरत पड़ती है, तो हम कहाँ रखेंगे, किचन में रखेंगे इसको, जब खत्म हो जाए तो स्टोर रूम से आएंगे। तो ये रोम हो गया और ये रैम हो गया, इसका ये मतलब है इसका। अब इसको हम कंप्यूटर के हिसाब से समझते हैं, जिस चीज़ की कंप्यूटर में जो भी डाटा की हमें बार बार जरूरत पड़ती है, उसको हम रैम में रहता है। इसके एग्जांपल मान लीजिए हमें 2+5 करना है, तो हमने 2 लिया 5 लिया, अभी कभी 2 कहाँ स्टोर हो रहा है, 5 कहाँ स्टोर हो रहा है, ये कहाँ रैम में स्टोर होगा, कहाँ पे होगा, रैम में। रैम में क्या किया उसने, 2 कंप्यूटर स्टोर कर दिया, 5 कर दिया, जब इसकी प्रोसेस थोड़ी देर के लिए कहाँ रहा, रैम में रहा, इसकी प्रोसेस हो गई, आंसर क्या आ गया, 7 आ गया, अब खत्म, इसका काम खत्म हो गया, अब जरूरत ही नहीं इसकी, क्यों, जरूरत पड़ी यूज़ किया, खत्म। ये थोड़ी हम इसको 2-5 को थोड़ी रोम में रखेंगे, तो ये रहता है इसका मतलब। अब इसके बाद फिर हमारे पास बचा है लास्ट टॉपिक है, अब इसमें कह रहा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी देखिए, समझिए आप पहले इसके बारे में। मान लीजिए हम कंप्यूटर में कोई वर्क कर रहे हैं, हमारा डाटा उसमें हम कोई टाइप कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तभी लाइट चली गई। और जब दोबारा लाइट आएगी तो हमारा डाटा तो चला गया, हम सोचिए गायब हो गया डाटा, अब रहेगा नहीं, लाइट चली गई, पर ऐसा नहीं होगा। तो जो डाटा परमानेंटली रखा रहता है, स्टोर रहता है, वो कहाँ थे, सेकेंडरी मेमोरी। एग्जाम्पल के लिए हार्ड डिस्क होती है, मतलब हर एक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क रहती है, तो जो भी हम काम करते हैं हार्ड डिस्क डाटा उसमें आता है, हमारे घर लाइट चली कुछ भी हो गया, तो ठीक है, जब वापस लाइट आई तो हार्ड डिस्क उसको रिट्रीव कर सकते हो, खराब खत्म नहीं होता, खराब नहीं होता डाटा। कॉम्पेटिव पहले जमाने CD DVD चलती थी, आप मूवी देखा, आप लाए CD लगाई उसमें और आपने देख ली, मान लिया आप CD देख मूवी देख रहे हैं, CD लगी हुई है, DVD, तभी लाइट चली गई, ये थोड़ी कि पूरी जब लाइट आई तो पूरा डाटा खराब हो गया, नहीं हुआ, क्यों, CD फिर से लगाओ, फिर देख सकते हैं आप। ऐसी पेन ड्राइव पेन की साइज होती है, ये क्या पोर्टेबल है, यानी कि इसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकें, उसको हम पोर्टेबल डिवाइस बोलते हैं। पेन ड्राइव हम क्या करते हैं, कोई भी मान लो कम लोग काम किया कंप्यूटर में, कोई चीज़ हमने कोई डाटा तैयार किया, इंपॉर्टेंट मैसेज हमारा बहुत जरूरी है, तो उसमें बनाया उसमें, या PPT बनाया या PDF फाइल, उसको लिया, उसको हम पेन ड्राइव में रख लेंगे, भाई कंप्यूटर में रखेंगे और पेन ड्राइव में रख लेंगे और दूसरी में ले जा सकते हैं, पेन ड्राइव में फायदा है, तो ये परमानेंट नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। सबसे तरीका है कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, इसको समझें, तो इससे पहले क्या करेंगे, इसकी इस बुक को जरूर पकड़ रख लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके क्वेश्चन है, बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, इसको आप
सब्सक्राइब जरूर करें इसे और शेयर करें, जिससे कि आपको और भी जितने वीडियो हैं इसके बुक्स के, लगभग सभी सब्जेक्ट के सारे बुक्स नोट्स सब इसी चैनल पर मिल जाया करेंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स।